ब्रेक डांस में अच्छा लगता है, आपके फेवरेट वीडियो में नहीं। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। ये तस्वीरें जापान की राजधानी टोक्यो की है और टोक्यो ही इस साल ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए पिछले कई सालों से वहां तैयारियां की जा रही थी जो लगभग पूरी होने के कगार पर है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ओलंपिक खेलों की तैयारियों का ही हिस्सा हैं। दरअसल खेलों की शुरुआत से पहले वहां के एरिक जिम्नास्टिक सेंटर में भूकंप ड्रिल का आयोजन किया गया। इमरजेंसी टीम के साथ साथ करीब 350 लोगों ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया। भूकंप के लिहाज से जापान संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में ओलंपिक खेलों के दौरान कोई खलल ना पड़ जाए इसके लिए जापान सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी टीमों ने ड्रिल किया ताकि खेलों के दौरान किसी अनहोनी पर आसानी से काबू पाया जा सके। जापान भूकंप आंधी और सुनामी के लिए बेहद संवेदनशील है। जापान के औसतन हर साल 1500 बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, ऐसे में इस ड्रिल के महत्व को समझा जा सकता है। ऐसे में टोक्यो ओलंपिक 2020 पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे खुद नजर बनाए हुए हैं और कुछ दिनों पहले ही आबे ने जापान के नेशनल स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया था। जापान ओलंपिक की शुरुआत अगले साल 24 जुलाई को होगी और 9 अगस्त खेलों का ये महाकुंभ खत्म होगा जिसमें करीब 206 देशों के करीब 11,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।